तो इस वीडियो में हम डेवलप करेंगे काउंट एडिट टेक्स्ट कैरेक्टर्स की एप्लीकेशन को। तो जैसे हम अपने एडिट टेक्स्ट में कुछ भी कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप करते हैं, जैन आप देख सकते हो रियल टाइम पे हमारा जो ये टेक्स्ट है अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है और काउंट कर रहा है कि कितने कैरेक्टर हमारे इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एडिट टेक्स्ट में इस समय 4 कैरेक्टर है। तो जैसे मैं यहाँ पे और कैरेक्टर एड करता हूँ, जैन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है काउंट की वो अपडेट हो रही है। अब हमारे जो एडिट टेक्स्ट में 12 कैरेक्टर है। देन हमारे पास यहाँ पे एक क्लियर बटन भी है, तो जैसे मैं इस बटन पे टैप करूंगा देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है और हमारा काउंट है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम भी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5 कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन के लॉजिक को यूज करते हुए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप इस पर्टिकुलर लॉजिक का यूज करके एक बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन बना सकते हो और वो प्ले स्टोर पे लाइव भी है उस तरह की एप्लीकेशन और वो काफी अच्छा रेवेन्यू बना रही है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चाहते हो कि मैं उस तरह की एप्लीकेशन बनाऊं इस अपने चैनल पे और अपलोड करूं उस तरह के वीडियोस, तो डेफिनेटली आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं उस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लॉजिक है इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं जो कि है टेक्स्ट वॉचर और टेक्स्ट चेंज लिसनर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को डेवलप करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो इस वीडियो में गाइस हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो कि हम अपने एडिट टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। तो जैसे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो जो कि एक एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको दो फाइल्स मिलती है। पहली फाइल है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरी फाइल है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस एप्लीकेशन को रन कर रखा है मेरे वर्चुअल एमुलेटर में भी ताकि जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो सके। एंड देन फाइनली यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट टाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमारे को सबसे पहले डिजाइनिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं पहले एक एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, लेकिन इसके अंदर मैं एक लीनियर लेआउट को ड्रैग करूंगा। देन उसके अंदर मैं एडिट टेक्स्ट और अपना जो भी टेक्स्ट होगा जिसमें हमारे काउंटेड टेक्स्ट की वैल्यूज को मैं डिस्प्ले कराऊंगा और देन एक बटन में यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा जिससे हम क्लियर करेंगे हमारे पूरे के पूरे एडिट टेक्स्ट को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो की डिजाइनिंग को। तो सबसे पहले यहाँ से मैं डिजाइनिंग पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं लेआउट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एक लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला यूज करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। देन मुझे यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट सेट करने होंगे, तो चारों तरफ से मैं कंस्ट्रेंट सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड देन आते हैं सब्जेक्ट मोड में ताकि हम कोड भी देख सकें और साथ साथ प्रीव्यू भी देख सके अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट का। और देन यहाँ पे अब हम सबसे पहले जो हाइट है इसको रैप कंटेंट कर देते हैं और यहाँ पे एक जो पैडिंग है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ लाइक 25 dp। तो पैडिंग यहाँ पे देता हूँ मैं 25 dp, नॉट sp इज गोइंग टू लाइक 25 dp। पैडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है लीनियर लेआउट एट द सेंटर। और देन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज करते हैं। तो हैशटैग यहाँ पे 3x0 अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो आपको एक बैकग्राउंड कलर मिलेगा और यहाँ से मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर यूज करता हूँ। और देन अगर मैं अपने लीनियर लेआउट को यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ तो हैशटैग 3x f मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो कि मुझे प्योर व्हाइट कलर दे देगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका मेरा पर्टिकुलर कलर। और आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी दे सकते हो या स्टार्ट की प्रॉपर्टी, तो वो हम सब बाद में भी मॉडिफाई करेंगे। अब ध्यान आते हैं वापस से डिजाइन टाइप में और इसके अंदर मैं एक एडिट टेक्स्ट को ड्रैग करता हूँ। तो ये हमारा प्लेन एडिट टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग करता हूँ लीनियर लेआउट के अंदर। देन आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है एडिट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो एडिट टेक्स्ट इसको मैं पर्सन नेम ही रहने देता हूँ, इसको हम धीरे धीरे करके बाद में मॉडिफाई करेंगे। अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, अभी पहले मैं इसकी कोडिंग को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो नेम है इसको चेंज करके हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं हिंट से रिप्लेस कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, मीन्स जो हिंट है उसको। तो एंटर टेक्स्ट हेयर, तो यहाँ पे मैं एंटर टेक्स्ट हेयर। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। देन इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी आप कर दोगे, सेंटर कर देते हैं इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है उसको कर देते हैं हैशटैग 3x0। एंड देन टेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखो जो साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं लाइक 35 sp। तो 35 sp आई थिंक इज वेरी बिग, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं 25 sp। ओके, एंड देन यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। तो पैडिंग यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक 25 dp। तो पैडिंग यहाँ पे 25 dp हम दे देते हैं। और देन अगर यहाँ पे देखो तो आप हिंट कलर भी दे सकते हो, तो रहने देते हैं हिंट कलर बिकॉज इट्स एक्चुअली विजिबल। तो विजिबल है इसलिए हिंट कलर को हम रहने देते हैं। और अब यहाँ पे मैं आईडी को चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं et रखता हूँ टेक्स्ट टू काउंट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू काउंट उसकी आईडी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टू काउंट। एंड देन वापस आते हैं डिजाइन टैब में और यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू की जिसके अंदर हम अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। एंड बाय द वे जो हमारा लीनियर लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन है जो वो वर्टिकल है, दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वार्निंग्स आ रही है क्योंकि हमने हार्ड कोडेड यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है। हमारे को स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में अपने स्ट्रिंग्स को स्पेसिफाई करना चाहिए, बट क्योंकि मैं डेमोंस्ट्रेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट काउंटेड टेक्स्ट यहाँ पे इसको नाम देता हूँ टेक्स्ट काउंटेड टेक्स्ट।
यहाँ पे काउंटेड टेक्स्ट भी स्पेसिफाई कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे इसकी जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके अभी 25 कर देता हूँ, जैसे कि जस्ट फॉर द डमी वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देन यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी मैं पैडिंग यहाँ पे दे देता हूँ जो कि होगी 25 dpi, एंड देन फाइनली इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको मैं दे देता हूँ लाइक 20 sp, और जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ #3x0, तो हार्ड कोडेड में यहाँ पे कलर यूज करूँ, और उसकी भी टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं चेंज कर देता हूँ जो कि होगी सेंटर। ओके, तो ये यहाँ पे ये हमारा हो चुका है टेक्स्ट व्यू, तो उसकी जो थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं लाइक हमारा जो टेक्स्ट साइज है तो उसको 25 ही कर देते हैं, 25 लुक्स ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो भी सेट हो चुका है, एंड देन फाइनली अब हम आते हैं वापस हमारे डिजाइन टैब में। तो यहाँ पे अगर आप डिजाइन टैब में वापस स्विच करना है, देन अब हम यहाँ पे बटन को प्लेस करेंगे। तो बटन प्लेस करने का एक्चुअली मोटिव ये है कि जैसे हम बटन पे टैप करेंगे तो हम चाहते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट एंटर हुआ है एडिट टेक्स्ट में वो क्लियर हो जाए। तो वापस आते हैं स्प्लिट मोड में, और यहाँ से हम अपने बटन को चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी आईडी को मैं चेंज कर देता हूँ, बीटी काउंट करेक्टर्स की आईडी को मैं नाम दे देता हूँ। क्या मैंने बीटी काउंट करेक्टर्स को नाम दे दिया। देन आप यहाँ पे मार्जिन टॉप वगैरह भी दे सकते हो, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप इज लाइक 10 dpi, एंड देन मार्जिन बॉटम भी आप दे सकते हो यहाँ से। तो मार्जिन ये हो गया यहाँ पे, तो मार्जिन हमारा मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं 10 dpi। तो आप देख सकते हो ये आ चुका है। देन इसके बाद हमारे को अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, तो टैप टू क्लियर यहाँ पे दिख देते हैं टेक्स्ट को, टैप टू क्लियर। एंड देन यहाँ पे एक चीज और हमें मॉडिफाई करनी है, टेक्स्ट ऑल कैप्स जो है उसे फॉल्स करेंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल कैप्स में आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, देन टेक्स्ट साइज यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं 28 sp कर देते हैं, और देन यहाँ पे जो पैडिंग है उसको भी हम इंक्रीज कर देते हैं। तो पैडिंग देते हैं यहाँ पे लाइक 15 dpi की, तो 15 dpi पैडिंग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लग रही है। तो टेक्स्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं लाइक 22 कर देते हैं, सो 22 लुक्स ग्रेट। और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं #3x0 देता हूँ, और देन यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर दूंगा, और देन यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको मैं चेंज कर दूंगा #3xf। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको मैं दे देता हूँ बोल्ड। नाउ इट्स एक्चुअली परफेक्टली हमारा जो लेआउट हो चुका है सेट। अब यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा लाइक जो टेक्स्ट साइज है तो उसको 28 कर देते हैं, और जो पैडिंग है उसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे अगर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो और थोड़ा हमारा एडिट टेक्स्ट बड़ा हो गया है। देन यहाँ पे अब अगर आप देखें जो टेक्स्ट ये मैच पेरेंट है, तो मैच पेरेंटी रहने देते हैं क्योंकि सेंटर में हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट एडिट टेक्स्ट करेक्टर, तो ये लेबल भी आ रहा है। अब रन करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा लेआउट इनसाइड अवर वर्चुअल एमुलेटर, देन उसके बाद हम फिर कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे हमारे मेन एक्टिविटी में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये लेआउट लग रहा है, तो काफी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो जो एडिट टेक्स्ट का जो कलर आ रहा है ये हमारा पर्टिकुलर यहाँ से आ रहा है, जो कि हमारा कलर एक्सटेंट है कलर्स डॉट एक्सएमएल में, तो जो कलर एक्सटेंट कलर है वो यहाँ से आ रहा है हमारा। तो फाइनली अब हमारा यहाँ पे डिजाइनिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे सबसे पहले अब हम आईडीज को फेच करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करते हैं, बटन तो बीटी, तो यहाँ पे जो बीटी है वो टैप टू क्लियर है हमारे उसका नाम, तो यहाँ पे टैप टू क्लियर टेक्स्ट इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं 80, और यहाँ पे हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो है लाइक काउंट टू काउंट करेक्टर्स, यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया टू काउंट करेक्टर्स। एंड देन यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पे txt रिजल्ट ऑफ काउंट, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ काउंट यहाँ पे स्टोर करेंगे रिजल्ट ऑफ काउंट, यहाँ पे मैंने इसको भी स्पेसिफाई कर दिया। एंड देन अब इनकी हम आईडी को इनिशियलाइज करते हैं, तो बीटी पहले इसकी आईडी को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बीटी है इसकी बीटी काउंट करेक्टर्स आईडी है। देन उसके बाद यहाँ पे ET टू करेक्टर्स फाइंड व्यू करते हैं, देन उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं ET है, तो यार हमारा ET टेक्स्ट टू काउंट। एंड देन फाइनली जो हमारा txt रिजल्ट है इसकी आईडी को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो यार हमारा आईडी, देन आईडी, और यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे हमने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट काउंटेड टेक्स्ट, मैंने आईडी स्पेसिफाई करके, आप अपने हिसाब से और अच्छा मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हो चुके हैं तीनों के तीनों आईडीज इनिशियलाइज। अब आते हैं हमारे यहाँ पे नीचे ऑन क्रिएट के, तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले अपने 82 करेक्टर के ऊपर ऐड करना होगा लिसनर, तो ऐड टेक्स्ट वॉचर लिसनर यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, एंड देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा न्यू टेक्स्ट वॉचर। जैसे मैं यहाँ पे इसको करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को तीन मेथड मिल चुके हैं, बिफोर टेक्स्ट चेंज, आफ्टर टेक्स्ट चेंज, और यहाँ पे ऑन टेक्स्ट चेंज। तो यहाँ पे जब हम कोडिंग करेंगे वो हमारे ऑन टेक्स्ट चेंज के अंदर कोडिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हम अपने पर्टिकुलर जो कंटेंट है मीन्स जो करेक्टर उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, एक लोकल वेरिएबल जो होगा इंट करेक्टर, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको एक करेक्टर नाम दे दिया इंट लोकल वेरिएबल। एंड फाइनली यहाँ पे 80 इनपुट 82 करेक्टर, जो कि हमारा 82 करेक्टर है उसमें से हम इनपुट लेंगे, उसकी हम पहले लेंथ को कैलकुलेट करेंगे,
एंड देन फाइनली यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग, देन यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम था लाइक कैरेक्टर, कैरेक्टर्स टू कन्वर्ट, तो कन्वर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा हमारे को कैरेक्टर को, कैरेक्टर टू कन्वर्ट, एंड देन यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ से हमारे को इंटीजर जो है कैरेक्टर उसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने हम यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर की लेंथ है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन फाइनली अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टीएक्सटी रिजल्ट जो कि है हमारा ओन काउंट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट हमें सेट करना है सेट टेक्स्ट, तो इसको हम यूज करेंगे, और देन यहाँ पे अब मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पहले डालता हूँ काउंट, तो यहाँ पे कॉलन स्पेसिफाई करते हैं देन प्लस, और यहाँ पे पास कर देंगे हमारा पर्टिकुलर वैल्यू जो कि है कैरेक्टर टू कन्वर्ट, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है लॉजिक कम्प्लीट। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा जब भी हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट डालेंगे जैसे कि हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमें उसे क्लियर भी करना, तो रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है लॉन्च, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैरेक्टर डालू जैसे कि मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पे विजय, तो आप देख सकते हैं मेरे नाम में 5 कैरेक्टर आते हैं, तो इसने काउंट करके दिखा दिया 5। अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 वगैरह को डालता हूँ तो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क करे। अब हमारे को जो फंक्शनलिटी है कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें टैप टू क्लियर, तो हमारा जो ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा अपने बटन पे लिसनर सेट करना होगा, तो बीटी टैप उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर हमें इस पे सेट करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड देन आपको यूज करना है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, देन आप देख सकते हो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया, और देन यहाँ पे यूज करेंगे हमारा जो कि 80 टेक्स्ट, तो 80 को हमें यहाँ पे क्लियर करना है जो कि हमारा 80 टेक्स्ट कैरेक्टर है, तो उसको यूज करते हैं डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, देन उसके बाद इसको हम रन करते हैं। फाइनली ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुकी है, तो जैसे यहाँ पे मैं कैरेक्टर कुछ भी एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं काउंट करके देखा, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ देन आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट हमारा को 0 डिस्प्ले करा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे जो वैल्यू उसको भी आप यहाँ पे 0 सेट कर सकते हो, हमने यहाँ पे 25 कर रखा है, तो टेक्स्ट यहाँ पे हमारा है तो यहाँ पे हम 0 सेट कर देते हैं कि अभी जो कैरेक्टर काउंट है वो 0 है। रन करते हैं और देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो हमारी 0 शो हो रही है नहीं, तो यहाँ 0 शो हो रही है, वैल्यू एंटर करोगे और अगर कोई भी वैल्यू इसमें एंटर नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे काउंट 0 आएगा। सो हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क करेगा गाइस, अब हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।